हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित एंड आप देख रहे हैं न्यूज़स्टिक। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एडीपी ड्राइवर्स के बारे में। बेसिकली बात करूँ तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फोर पॉइंट्स के बारे में। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि यार एडीपी ड्राइवर्स क्या होते हैं एंड एडीपी ड्राइवर्स का यूज हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। एंड जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा कि आपको एडीपी ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं अपने पीसी में। एंड जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी से इन एडीपी मोड एंड फास्टबूट मोड। एंड आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इन सारे पॉइंट्स के जो टाइम स्टैम्प है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अगर आप चाहो तो उन पर क्लिक करके सीधा वाला पार्ट देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि एडीपी ड्राइवर्स होते क्या है। तो यार जो एडीपी का फॉर्म होता है वो होता है एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज। एंड आप इसके नाम से समझ सकते हो जो यार एडीपी ड्राइवर्स होते हैं वो यूज करते हैं डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए, यानी कि जो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है अपने एप्लीकेशन में या कुछ वो प्रॉब्लम कर रहा होता है उनको सॉल्व करने के लिए। एंड जो इसका यूज है वो सिर्फ डेवलपर तक ही सीमित नहीं है। अगर आप और हमारे जैसे भी लोग अगर इसको यूज करना चाहें, अगर हम इसको यूज करते हैं अपने एंड्रॉइड के कुछ हिडन फीचर्स एंड स्पेशल फीचर्स को यूज करने के लिए। एंड जो एडीपी ड्राइवर्स है वो हमारे कई और चीजों में काम आ जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे स्मार्टफोन में उनके एडीपी परमिशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल में वर्क कर पाए। एंड इसका जो ग्रेट एग्जांपल है वो है अपना गूगल कैम। जो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं नेविगेशन गेस्चर्स वाले, उनको भी एडीपी परमिशंस लगती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके अपने स्मार्टफोन में। एंड बस इतना ही नहीं, अगर आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन में जो एड्स आते हैं, बेसिकली जो अपने शाओमी के स्मार्टफोन में ऐड आते हैं, अगर आप उनको बंद करना चाहो तो उनमें भी आपको एडीपी ड्राइवर्स की हेल्प लगेगी। और आगे मैं ऐसे कुछ एप्लीकेशंस की वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हमें एडीपी ड्राइवर्स को यूज करना पड़ेगा। एंड अगर आप वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने से पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे जो डिफरेंट फॉरम्स होते हैं अपने एडीपी ड्राइवर्स के, उनके हमें अलग अलग टूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इस वीडियो में हम डाउनलोड करने वाले हैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से ड्राइवर्स। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 9 MB का है। एंड डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना कोई भी एक फोल्डर में। सर बस अब आपके जो एडीपी ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल हो गए। अब हमें चेक करना है कि जो आपके एडीपी ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए, तो उनके लिए हमें करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी से कनेक्ट। तो इसी में हमारा जो थर्ड स्टेप है वो आ जाता है कि हमें कैसे कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी से एडीपी मोड में एंड फास्टबूट मोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एडीपी मोड का। एंड अपने पीसी की तरफ चलने से पहले आपको अपने स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, यानी आपको अपने स्मार्टफोन के यूएसबी डीबगिंग वाला फीचर को ऑन करना पड़ेगा। एंड उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में। सबसे लास्ट में आपको दिखेगा सिस्टम करके, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है अबाउट फोन पे। एंड उसके बाद आपको बिल्ड नंबर दिया सबसे नीचे, आपको उस पर 7 times टैप करना है। एंड जैसे आप 7 times टैप करोगे आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें लिखा होगा नाउ यू आर अ डेवलपर। देन यहां से जाना है आपको बैक एंड यहां पे आपको दिख जाएगा अपना डेवलपर ऑप्शन। एंड अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है जब तक आपको ना मिल जाए यूएसबी डीबगिंग। एंड जैसे आपको दिख जाए आपको वहां से इसको इनेबल कर देना है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो सिंपली जो अपना सेटिंग्स का जो सर्च बार होता है आपको यहां पे सर्च करना है बिल्ड नंबर एंड उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है 7 times और आपका डेवलपर ऑप्शन यहां से भी इनेबल हो जाएगा। देन आपको वापस अपने जो सर्च बार है उस पर टाइप करना है यूएसबी डीबगिंग। जैसे आप इसको नीचे क्लिक करोगे ये आपको सीधा उस वाले ऑप्शन पे ले जाएगा एंड यहाँ से भी आप उसको इनेबल कर सकते हो। एंड अब आपको वापस आना है अपने पीसी में एंड कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर से यूएसबी केबल के थ्रू। एंड अब आपको अपने वाले फाइल लोकेशन पर जाना है जहाँ पे आपने एडीपी ड्राइवर्स रखे हुए हैं। एंड वहाँ पे आपको सिंपली जो आपको सर्च बार दिख रहा है अपने कंप्यूटर में आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD एंड एंटर कर देना, तो जो आपका कमांड विंडो है वो ओपन हो जाएगी। एंड अब इस कमांड विंडो में हमें यहाँ पे टाइप करना है एडीपी डिवाइसेस एंड आपको ये पूरा स्मॉल में टाइप करना है कि यार ये केस सेंसिटिव होता है। एंड जैसे आप यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे आपके स्मार्टफोन में एक विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको अलाउ कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक रैंडम कोड दिखाई देगा एंड अगर आपको ये कोड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब जो आपके एडीपी ड्राइवर्स हैं वो अच्छे से इंस्टॉल हो गए एंड जो आपका स्मार्टफोन है वो अच्छे से कनेक्ट हो गया आपके पीसी से इन एडीपी मोड। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि आपको अपने स्मार्टफोन कैसे कनेक्ट करना है अपने पीसी में फास्टबूट मोड के थ्रू। सर उसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा आपको अपने स्मार्टफोन को शट डाउन एंड उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन की रिकवरी मोड पे बूट करना पड़ेगा। एंड उसको बूट करने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ की दबानी पड़ेगी अपने स्मार्टफोन में। एंड जो मेरे केस में कॉम्बिनेशन ऑफ की है वो है अपना पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। एंड अपने डिवाइस के लिए आप डेफिनेटली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाद आपको ये बटन को प्रेस करके रखना है जब तक कि आप अपने एंड्रॉइड रिकवरी मोड पे बूट ना कर जाओ। उसके बाद आपके जो अपने वॉल्यूम बटन्स होते हैं उनको यूज करके आप इस मेन्यू में नीचे आ सकते हैं एंड आपको यहाँ पे आना है रिबूट टू बूट लोडर वाले ऑप्शन में। एंड इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है पावर बटन को। इसके बाद जो आपका स्मार्टफोन है वो रिस्टार्ट होगा अपने फास्टबूट मोड में। एंड यहीं पे आपको अपने स्मार्टफोन में अपना यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर पे कमांड देना है फास्टबूट डिवाइसेस एंड अगेन जो अपना जो रैंडम कोड है वो आपको शो करेगा आपके कंप्यूटर पे। एंड यहाँ पे आपका जो कोड है वो शो कर जाता है, तो जो आपका स्मार्टफोन है प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है अपने कंप्यूटर से
फास्ट स्पीड मोड में। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई कोड शो नहीं होता है तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए जो आपका यूएसबी केबल है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, एंड जो आपका यूएसबी डीबगिंग वाला ऑप्शन है कहीं वो बंद तो नहीं हो गया। सर बस फिलहाल की वीडियो के लिए बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप इस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड जाते जाते एक बार आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, क्या पता आपकी कोई काम की लिंक मिल जाए। एंड आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।